अब यहां पर मैं सोच रहा था कि चलो इसको उड़ के मारता हूं, वो सर्कल चला जाएगा, लेकिन जैसे ही उड़ने वाला था तभी वो बंदा उड़ के मेरे ऊपर आ गया भाई। देखो चला गया। क्या बचा है यार, ये लिटरली जल्दबाजी के चक्कर में। अब यहां मैं उस पर उड़ के बीन मारने वाला था, लेकिन गाइस तो लेट गाइस आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी मोड वॉर। भाई साहब ये वही वाला मैच है जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इस मैच की एंडिंग में मैंने भाई सोलो से स्क्वाड खेला है, और ये जो न्यू मोड है ना जो, और यहाँ की जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, उड़ने वाली पावर, बीम मारने वाली पावर, उन सब का यूज़ किया है और भाई ऑलमोस्ट चिकन के पास पहुँचा। अब लास्ट में क्या कैसे मारा, क्या गलती हुई, वो आप लोगों को पता चलेगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं यासना, क्योंकि यहाँ हमें सबसे ज़्यादा ड्रैगन बॉल्स मिलती हैं, और ड्रैगन बॉल्स हम लोग क्यों ले रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को बताया था, हम उसे ड्रैगन को स्पॉन करके उससे विशेज मांग सकते हैं। तो हम लोग कम से कम दो बार विश मांगेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर्स हैं उनको कलेक्ट कर लें, और उसके बाद फिर सभी बंदों को मारेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना जो जो ड्रैगन जो वो इंडिकेटर है, जो मतलब समझो ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए रडार, उसको मैंने ऑन कर लिया, और जल्दी से हम लोग यहाँ पर सारे ड्रैगन बॉल ढूंढने लग जाते हैं। अब कल एक बंदा कमेंट में लिख रहा था कि भाई आपका पिंग तो सही आ रहा है, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि गेम अच्छा नहीं चलता वीपीएन लगा के और ये सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, पैकेट लॉस नाम की भी चीज़ होती है, और जब आप वीपीएन यूज़ करते तो आपका पैकेट लॉस होता है। अब ये आप चीज़ ना देख के नहीं पता लगा पाओगे, काफ़ी सारे लोग जो लोग खेलते हैं गेम उनको पता होगा वीपीएन लगा के भाई बहुत डीसिंक होता है, वो पैकेट लॉस की वजह से होता है। अब यहाँ पर देखो हमने सात की सात जो है ड्रैगन बॉस कलेक्ट कर लिया, और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ड्रैगन को स्पॉन करने के लिए, क्योंकि ड्रैगन को स्पॉन करके हम लोग उससे विशेस मांगेंगे। इसके अलावा भी मैं कल आप लोगों को बताया था दो कॉइन्स होते हैं, एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का। देखो अभी मैं देखो यहाँ पे साइबर से लूंगा, अब येलो कलर के कॉइन से मैं हवा में उड़ सकता हूँ, और ब्लू कलर के कॉइन से मैं बीम मार सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देखो ड्रैगन को स्पॉन करा देता हूँ। और हाँ गाइस ये वाली वीडियो देख के तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो तो। अब यहाँ पर देखो ड्रैगन स्पॉन होने लग जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अभी कौन सी विशेस हमारे लेके आया, क्योंकि जो स्ट्रेंथन की है वो हमें चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेंथन की से क्या होता है, जो हमारी उड़ने की जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 दिख रही है आप लोगों को, देखो हेल्थ बार के ऊपर वो 200 हो जाएगी, तो उससे हम ज़्यादा देर तक उड़ सकते हैं और ज़्यादा देर तक बीम भी मार सकते हैं। तो चलो अभी भाई साहब, बाकी यार उड़ने वाली जो ये भाई एबिलिटी है ना बहुत ही कमाल की है। तो चलो अभी टाइम हो चुका है, ये विश दे रहा है हमें, यहाँ पर जल्दी से हम लोग विश ले लेते हैं। तो ये स्ट्रेंथन काम में यहाँ लेके आया, और गेट सप्लाइज तो देखो बाकी सब बेकार है, फिलहाल गेट सप्लाइज ले लेता हूँ मैं। अब गेट सप्लाइज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ना इससे बहुत सारी बीन्स मिल जाएंगी। बीन्स क्या है बेसिकली, बीन्स वो मसाला है जिस मसाले को खा के ना हम लोग अपनी स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग इमीडिएटली 200 कर सकते हैं या फिर 100 कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथन की विश हमने ले ली है तो वो 200 जो हो जाएगी वो एक बार में पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे टीममेट दोबारा से जो है ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी भाई उनको ना यहाँ पर कुछ बंदे बंदे दिख जाते हैं। तो अब देखो गाइस उनको कैसे मारने का ट्राई करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया भाई बंदा तो मिला नहीं, लेकिन एक बॉट ज़रूर दिखाई दिया। अब तुम लोग कह रहे होंगे मैंने बीम क्यों नहीं मारी, तो देखो यार उसके लिए ना जो आप लोगों को नीचे जो मेरी स्ट्रेंथ दिख रही है ना वो पूरी एक फिल होनी ज़रूरी है, अदरवाइज मैं यहाँ पर बीम नहीं मार सकता हूँ। अब गाइस इसके बाद ना हम लोग पोचिंग के आए थे, और उसका रीज़न था कि वहाँ पर जो है ना ड्रैगन स्पॉन हो नहीं रहा था, तो हम लोग यहाँ आते और यहाँ ड्रैगन स्पॉन करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो भाई यहाँ पर ना बंदे थे ऑलरेडी, और अब देखो अब यार इस तरीके से बंदों को भाई उड़ के स्पॉट करना बहुत ही कमाल का है। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो मेरी जो नीचे ब्लू कलर वाली स्ट्रेंथ है कितनी जल्दी जल्दी कम हो रही है, अगर वो 200 होती ना तो भाई और ही मजा आता। खैर मुझे देखो सामने बंदे दिखाई दिए, तो सबसे पहले तो भाई मैं मसाला मारता हूँ जिसको कि बीन बोलते हैं। तुम लोग समझ जाना यार मसाला, जब भी मैं बोलूँ मतलब मैं नीचे अपनी ब्लू वाली लाइन को फिल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और अब हम यहाँ पर बीम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गाइस दो बंदे नॉक हो चुके हैं, और जैसे यहाँ पर दो बंदे नॉक हुए मैंने टीममेट्स को कॉल दिया, और उसके बाद देखो फिर से मेरी यहाँ पर स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, मेरे को दोबारा से उसको पीना पड़ेगा। अब गाइस ये वाली स्क्वाड को तो हम लोगों ने मार दिया, पता नहीं इनका आखिरी बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है। अब यहाँ पर ना मेरे पास ना बीन की कमी थी, तो मैंने साइबर को बोला बीन तो आप लोग समझ रहे हो ना उड़ने के लिए या बीन मारने के लिए मुझे बीन्स चाहिए होंगी, और मैं इनकी पेटी भी चेक करता हूँ यहाँ भी कुछ नहीं मिलता, तो मैं साइबर से मांगता हूँ, और जैसे ही साइबर मेरे को बीन्स देता है तभी यहाँ पर दूसरी स्क्वाड का रश हो जाता है। अब भाई बैग में जगह नहीं, और ये भी उठानी जरूरी थी, फेंकता हूँ उल्टा जल्दी सामान ऊपर आके पावर यूज करो ना निकल यहाँ से। अब जैसा कि साइबर ने बताया कि हम लोग यहाँ से भाई उड़ के पहले तो निकल जाते हैं बाहर, इससे पहले कि वो हम लोग उन पर रश वगैरह या ग्रेड वगैरह कुछ भी करें, और यहाँ पर आते हैं, और अब देखो हम कैसे फाइट लेंगे।
अब यार ये जो बीम मारता है ना ये बैठ के मारता है, जैसे कि देखो यहाँ से मेरा एम तो जा रहा है लेकिन जब ये बैठ के मारता है ना तो भाई सारा का सारा जो है यहीं पे यूज हो गया। देखो ये खराब हो गया, मैं फिर से पीऊंगा यहाँ पर देखो बीन्स। भाई साइबर ने दो बंदों को नॉक किया, किसी बंदे को डैमेज पड़ा थोड़ा सा। अब ये वाली बीन पी के देखो मैं ऐसे उड़ के उन बंदों पर रश करता हूँ, बट यहाँ पर यार एक दिक्कत हो जाती है। देखो अब क्या क्या होता है मेरे साथ, पीछे से पड़ी मेरे को। अब इस बंदे के टीममेट ने भाई मेरे को मार दिया, उसके बाद में देखो साइबर इन दोनों को मार देता है। अभी हमारे पास रिकॉल बचा हुआ तो साइबर हम दोनों को रिकॉल करता है। और गाइस अभी तो तुम देखते जाओ यार, अभी तो ये मैच और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखो मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ और सबसे पहले तो भाई पेटी लूटता हूँ, लेकिन इससे पहले कि पेटी लूटता यहाँ बंदे से भाई ताला फिनिश कर रहा था। अरे अरे और गाइज आखिरी बंदा बचा हुआ था उसको साइबर ने मार दिया। और इसके बाद में होता है रिवाइव, रिवाइव होने के बाद में सबसे पहले सारा सामान वगैरह लूटा। अब यहाँ पोचिंग की में बंदे कैंप कर रहे थे तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं। अब यार ये बंदा तो ऑलमोस्ट बचाएगा, इसको ना भाई हेड पड़ी गया था, अगर थोड़ा एक दो हेड और लग जाता तो पक्का नॉक था भाई। अब गाइस इस बंदे को तो आप लोगों ने देखा ही जो अभी निकल के गया। अब देखो मैं इसको कैसे मारने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ऐसे उड़ के जाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने साइबर से कॉइन लिया वो वाला। अब देखो वो बंदा ना नीचे घर पे था ये बात मुझे पता थी, लेकिन वो भाई रोटेशन दे चुका था, इस बात का मेरे को आइडिया नहीं था। बट जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ अभी देखना। अब जैसे मैं यहाँ पर आया मेरे को बंदे का साउंड आया नीचे से, और देखो आप लोगों को हाथ भी दिख रहा होगा उसका, देखो सामने जस्ट उसने मौली फेंकी, मेरे पास ग्रेनेड था मैंने ये फेंका, बंदा नॉक हो गया। जैसे ही नॉक हुआ अब जैसे इस बंदे को फिनिश करता हूं ना गाइस, तभी देखना सामने वाले घर से एक बंदे का साउंड आया। अब ये बंदा वॉल के पीछे बैठा हुआ था तो मेरे को इतना तो कंफर्म था कि हाँ वॉल के पीछे कहीं तो है, तो मैं यहाँ पे रैंडम ग्रेनेड फेंकने चालू करता हूँ। पहले मैंने यहाँ फेंका एक, एक और ग्रेनेड की पिन खींची, इसको यहाँ फेंका, लेकिन तभी देखो भाई साहब बंदा निकल के भागा। अब जैसे ही बंदा निकल के भागता है तो मैं इसका पीछा उड़ के करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो मेरी स्ट्रेंथन की जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बीन नहीं मार पाता, वरना इस बंदे को मैं बीन से ही मारता। बट देखो मैं इसको कैसे मारने वाला हूँ। क्या कर रहा है कामी? और गाइज ये बंदा हो गया नॉक फिनिश। अब देखो सबसे बेस्ट चीज पता है क्या, गाइज जब भी ऊपर से गिरते हैं ना तो भाई आपकी हेल्थ नहीं जाती है। अब यहाँ हम लोगों को जोन में निकला था तो सबसे पहले हम लोग चर्च पे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आए मेरे को सामने बंदे दिखाई दिए। अब यार इसको रैंडम स्प्रे देने की कोशिश तो की हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दे पाया। भाई पहला बंदा तो बहुत ही जल्दी नॉक हुआ, लेकिन दूसरा बंदा अब गाइस जैसे मैं इधर पे आता हूं तभी देखना मेरा टीममेट नॉक हुआ भाई एएमआर से, और तो मेरे राइट में भी एक बंदा आ गया भाई। सबसे पहले तो इसको नॉक किया, फर्स्ट किट मारता हूं पहले, क्योंकि मेरे को डाउट था कि अगर ये नॉक हुआ है ना भाई तो इसका एक और बंदा हो सकता है। अब गाइस देखो मैं इसको कैसे मारने वाला हूं भाई, मैंने सोचा यार एक बार तो ट्राई करते हैं ये सब चीज। अब यहां पर गाइस टीममेट को सबसे पहले रिवाइव देता हूं, और रिवाइव देने के बाद हम लोग जोर में निकलते हैं। लेकिन कभी देखो भाई बंदे को फाइनली टीममेट को रिवाइव दिया,
अब वो तो निकल जाता है भाई उड़ के, तो मैं भी जल्दी से उड़ के निकलने की कोशिश करता हूँ। गाइस यकीन मानो अगर हम लोग वो वाली विश ले लेते ना एक बार, स्ट्रेंथन की वाली, जिससे कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उड़ने की वो दुगनी हो जाती है, तो भाई बहुत ही मजा आता। फिर तो मैं बहुत देर तक और बहुत देर तक बीम भी मार पाता और उड़ भी पाता। अब सबसे पहले हम लोग जोन में निकलते हैं और जैसे ही जोन में आते हैं भाई हमारे मुंह पे बंदे। अब गाइस ये वाली जो पावर है ना भाई, घरों के आर पार भी बंदों को डैमेज देती है। ये कैसे? अब मेरा टीममेट भाई बंदों के मुंह पहुंच गया, वहां पे नॉक फिनिश हुआ। नहीं नहीं एक हेड लगा भैया, हेलमेट नहीं, सिर्फ एक हेड। और गाइज ये वाले बंदों का 1v2 यहाँ पर इजी हो गया। और गाइज अब इस मैच को बस तुम इन्जॉय करना, तुम लोगों को जैसा कि मैंने बोला था आखिर में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तो मज़ा आ रहा है ना अभी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अब इसके बाद मैं देखो उड़ के जोन में निकलता हूँ, क्योंकि इधर की तरफ से फायरिंग भी आ रही थी, आप लोग मैप में भी देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आया दोबारा से बीन लेता हूँ भाई, ये बहुत ज़रूरी है गाइज लिटरली। भाई साहब बार बार बचा। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले जोन में जाना था और मेरे सामने पूरी एक स्क्वाड थी, तो बस चलते गाइस अब उड़ के जोन में। अब बंदे भाई नीचे ही थे जस्ट, तो पैदल तो मैं नहीं जा सकता, और अगर ये वाली मेरे पावर है तो क्यों ना इसका यूज किया जाए। भाई ऊपर में फेंक दिया इसने, मैं सबसे पहले कवर में आता हूँ। जैसे ही कवर में आया फिर से मैंने बीन ली। कसम से यार मतलब क्या हगाए मैंने, क्या बचाए वो बंदा। खैर अब इस ग्रेनेड से तो ये नहीं बचने वाला है, पहला ग्रेनेड फेंका पक्का लिट हुआ होगा इससे। अब देखो जैसे इनको पता चला कि यहाँ पर मैं हूँ, तो ये भाई मेरे पे ना एक लेफ्ट से और एक राइट से आता है, तो सबसे पहले तो इसका काम करता हूँ, इसको नॉक फिनिश किया। और अब हो गई प्रॉपर बन गई। भाई साहब गाइस क्या मैच चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले मैं फर्स्ट किट मारता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत कम थी। अब उसके बाद मेरे पास बीन्स इनफ तो थी मैंने, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो इन बंदों की पेटी चेक कर लेते हैं। भाई इनकी पेटी में कोई बीन्स वगैरह नहीं थी, तो बस उड़ के सबसे पहले जोन में आता हूँ। अब देखो जैसे जोन में आया मेरे जस्ट राइट में देखना, अभी ये देखो बंदा दिखा आप लोगों को, और लेफ्ट से भी कोई बीम मार रहा था, तो मतलब वहां भी बंदे। तो सबसे पहले तो भाई मैं ये मसाला लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्रेनेड की पिन खींची मैंने, आई बटन का यूज करूंगा यहाँ पे। एक नॉक, अब मुझे पता था कि इसका जो बंदा है वो लेफ्ट में स्पॉटेड था और वो पक्का इसको रिवाइव देने आएगा, लेकिन भाई तुम देखो वो कितना लेट आया, जब जोन आ चुका है तब वो रिवाइव देने जा रहा है। और भाई इसको भी मार दिया बड़े आराम से। अब था गाइज लास्ट सर्कल 1v2 और तुम्हारा भाई देखो कहां से कहां तक आ चुका है। तो गाइज एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या तुम लोगों को ये मैच देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी तक। जी हाँ गाइज कसम से इतने दिनों बाद भाई इस तरीके का गेम, मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश था इस गेम को खेल के। अब यहाँ पर जो दो बंदे थे ना वो सामने थे, ठीक है, और सामने कहाँ थे मुझे नहीं पता था, तो बस सबसे पहले तो मैं उड़ उड़ के भाई ऊपर आने का ट्राई करता हूँ। फाइनली यार उन बंदों की पोजीशन पता करने के लिए मेरे को जोन में जाना ही पड़ेगा, और मैं जोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, तो यहाँ पर एक घुट्टी मारी मैंने। और अब चलते हैं गाइस उड़ के। अब देखो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि इसके ऊपर जाऊँ, लेकिन जैसे ही आया तभी एक बंदे ने ऊपर से फायर किया, मतलब मेरे से भी ऊपर कोई बैठा हुआ था।
इसका जो तो दूसरा टीममेट था वो राइट में था मेरे, मुझे उसका क्लियर साउंड आ रहा था। अब देखो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है तो आप लोगों को शायद आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन हाँ यहाँ बंदा है। तभी वो भाग के लेफ्ट में आता है, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। अब जैसे इसको नॉक किया, सबसे पहले तो मैं बूस्टर मारता हूं। अब यहां पर मैं सोच रहा था कि चलो इसको उड़ के मारता हूं, लेकिन जैसे ही उड़ने वाला था तभी वो बंदा उड़ के मेरे ऊपर आ गया। भाई देखो चला गया, क्या बचा है यार ये लिटरली जल्दबाजी के चक्कर में। अब यहां मैं उस पर उड़ के बीन मारने वाला था, लेकिन गाइस एनिमेशन के चक्कर में मैं मारा गया। अगर मैं उड़ के इसके पीछे चले जाके और फिर इसको बीम मारता तो गाइज एक डिलीशियस चिकनर हो सकता था, बट क्या कर सकते हैं गाइज। मैंने भी ये मोड पहली बार खेला है तो अभी उतना आइडिया नहीं, तो नेक्स्ट टाइम तो ऐसी गलती मैं नहीं करने वाला हूं। बट गाइज तुम लोगों को ये मैच देख के कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। एक बार अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, सबको दिखाओ न्यू मोड। और अगर आप लोगों को इस मोड के बारे में जानकारी नहीं है तो पिछली वीडियो जाके देखो, मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया। मिलता हूं नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।